सो नाउ स्टूडेंट्स, हमने ये अभी देखा है कि स्प्रिंट प्लानिंग क्या चीज़ है. अब स्प्रिंट प्लानिंग एक्चुअली स्टार्ट है आपकी, यानी स्प्रिंट जिस दिन प्लान होती है उसके अगले दिन आप समझें कि स्प्रिंट स्टार्ट हो जाती है. तो फॉर एग्जांपल स्प्रिंट प्लानिंग आपने की फॉर एग्जांपल फ्राइडे वाले दिन, और जो स्प्रिंट स्टार्ट है वो मंडे को अमूमन स्टार्ट हो जाती है. अब एक टर्म और आपके भी डेली स्टैंड अप्स हो रहे होते हैं एंड सो ऑन, तो स्प्रिंट अपने फ्लो में चलना शुरू हो जाती है. नाउ हेयर कम्स के अब आपने ये देखना है कि जो आपकी फॉर एग्जांपल आपकी एक स्प्रिंट चल रही है उसके अंदर आप कितना को काम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं. यानी अगर मैं नॉन एजाइल वे में आपको बताऊं तो आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कितने आवर्स का काम डिलीवर करेंगे. मतलब नॉन एजाइल वे में बता रहा हूं, अगर आपने क्लाइंट को बिल करना है तो आप उसे कहते हैं कि मैंने फॉर एग्जांपल 200 घंटे का काम दो हफ्ते में डिलीवर कर रहा हूं और तुमने मुझे पर आवर एक्स डॉलर या एक्स अमाउंट पे करनी है. अब एजाइल के अंदर क्योंकि हमारे पास आवर्स नहीं होते, तो अब यहां पे एक टर्मिनोलॉजी है जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी. वेलोसिटी हमें यह बताती है कि हमारी टीम की क्या प्रोग्रेस रह रही है ओवर द स्प्रिंट्स रीजन. ये बड़ी इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजी है वेलोसिटी. वेलोसिटी से आपको यह पता लगता है कि जो आपकी टीम है उसकी कितनी कैपेबिलिटी है कितने यूजर स्टोरी पॉइंट्स डिलीवर करने की. यूजर स्टोरीज नहीं, स्टोरी पॉइंट्स, क्योंकि स्टोरी पॉइंट्स को हमने एक आप समझे यार्डस्टिक रखा हुआ था कि कितने लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी टीम डिलीवर कर सकती है. तो वेलोसिटी बेसिकली आपको यह बता रही होती है कि आपकी टीम की अब स्पीड कितनी है. यानी अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने प्लान की थी फॉर एग्जांपल 30 यूजर स्टोरीज या 30 स्टोरी पॉइंट्स, वो आपकी प्लान थी. वेलोसिटी ये है कि आपने कितने स्टोरी पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए हैं. यानी हमने जो अभी देखा था कि आपके पास जो टास्क का कॉलम था उसमें WIP आ रहा था, वर्क इन प्रोग्रेस पेंडिंग आ रहा था, लेकिन अभी भी कोई डन मार्क नहीं हुआ हुआ था. तो वेलोसिटी इज द सम ऑफ दोज टास्क जो डन हो गए हैं आफ्टर अ स्प्रिंट, ताकि जब हम नेक्स्ट स्प्रिंट को प्लान करें तो हमें एक आइडिया हो जाए कि टीम कितनी वेलोसिटी पे चल रही है. मतलब कि आप परसेंटेज निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से कि आपने कितना प्लान किया था स्टोरी पॉइंट्स और कितना आपने डिलीवर किया है. आइडियल तो यही है कि आपने 30 स्टोरी पॉइंट आपने प्लान किए थे और 30 ही आपने डिलीवर कर दिया, तो एफिशिएंसी या सक्सेस रेट 100% है. लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऐसा कभी भी नहीं होता, बहुत कम होता है. या स्प्रिंट के टास्क बहुत सिंपल हो या कॉम्प्लेक्सिटी कम हो, वरना अमूमन नहीं होता. तो आपकी कोशिश यही होती है कि आप 100% को अचीव करें, लेकिन ऐसा नहीं होता. तो अगर मैं यू रैप अप करूं कि वेलोसिटी बेसिकली एक यार्ड स्टिक है टू जज हाउ मच कॉम्प्लेक्स वर्क अ टीम कैन डू. अब ये बिल्कुल एक डिफरेंट माइंडसेट है, इसका आवर्स से कोई ताल्लुक नहीं है. हम टीम को ये नहीं कह रहे कि एक टास्क 6 घंटे का था तुमने 8 घंटे में कर दिया. यानी वी आर नॉट ट्राइंग टू से कि कोई आवर्स जाया हुए हैं या टीम ने काम नहीं किया. हम सिर्फ ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि टीम लेवल पे कितनी को कॉम्प्लेक्सिटी का काम टीम से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द कमिंग स्प्रिंट्स. दैट इज वेयर एंड योर वेलोसिटी विल हेल्प यू आउट. आई विल शो यू विद एन एग्जांपल लेटर ऑन कि वेलोसिटी आपको हेल्प आउट कैसे करती है.